हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डायग्राम देखेंगे। इस सर्किट डायग्राम में तीन रेजिस्टर डेल्टा और स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड है। हम लोगों को इसमें R1, R2 और R3 की वैल्यू R12, R23 और R31 के फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। ये दोनों अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो रजिस्टर की वैल्यू हमको डेल्टा के टर्मिनल 1, 2, 3 और 31 में मिलेगी, वही सेम वैल्यू हमको स्टार के टर्मिनल 1, 2, 3 और 31 में मिलेगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R12 इन स्टार इज इक्वल टू R12 इन डेल्टा। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा कनेक्शन कंसिडर करेंगे और उसमें भी हम लोग उसके टर्मिनल 1 और 2 को कंसीडर करेंगे। तो हमको दो पैरेलल पाथ मिलेंगे इसमें, एक R12 रेजिस्टर का और दूसरा R31 प्लस R23 रेजिस्टर का। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे अक्रॉस टर्मिनल 1 एंड 2। तो हमको मिलेगा R12 इन डेल्टा इज इक्वल टू R12 इन ब्रैकेट R23 प्लस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कंसिडर करेंगे स्टार नेटवर्क की। तो ये रहा हमारा स्टार फॉर्म में कनेक्टेड रजिस्टर। इसके हम लोग टर्मिनल 1 और 2 को कंसीडर करेंगे। तो हमारा टर्मिनल 3 ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा R3 कंसीडरेशन में नहीं आएगा। तो हमारे R1 और R2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा स्टार में R12 इन स्टार इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये दोनों अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 के जरिए हम लोग रजिस्टर 1-2 इन स्टार इज इक्वल टू रजिस्टर 1-2 इन डेल्टा बता सकते हैं। तो हमारे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12 इन ब्रैकेट R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अगर हम लोग टर्मिनल 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1 को कंसिडर करें तो हमारा इक्वेशन आएगा R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R23 इन ब्रैकेट R31 प्लस R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन होगा वो होगा R31 इन ब्रैकेट R12 प्लस R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को ऐड करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 7। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 5 माइनस करेंगे। और ये हमारा साइड में इक्वेशन नंबर 5 है। अब इसको ये 5 इक्वेशन को हमको हम लोग 7 में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा R1 इज इक्वल टू R12 R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 6 माइनस करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 साइड में है, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे 7 में से, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा R2 इज इक्वल टू R23 R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा R3 इज इक्वल टू R31 R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। हम लोग इस फॉर्मूले में देख सकते हैं R1, R2 और R3 की हमारी वैल्यू R12, R23 और R31 के फॉर्म में आ गई, मतलब स्टार की वैल्यू हमारी डेल्टा के फॉर्म में आ गई। अब हम लोगों ने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, लेकिन अगर हमको इसको मेमोराइज करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू मेमोराइज। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, RY इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट डेल्टा रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। इसका मतलब है पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। अगर हमारे पास डेल्टा के फॉर्म में रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो हम लोग उसके बीच में एक स्टार फॉर्म में रेजिस्टर बना देंगे और उसको नेम दे देंगे R1, R2 और R3। और हम लोग R1 के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम लोगों को R1 कैलकुलेट करना है, तो इसके एडजेसेंट रेजिस्टेंस है हमारे R12 और R31। तो उसका हमको प्रोडक्ट लेना है, तो R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस, यानी R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली अगर हम लोग रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला निकाले, तो हमारे इनके
एडजेसेंट रेजिस्टेंस है R12 और R23 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। और सिमिलरली R3 का भी हमारा फॉर्मूला ऐसा ही है, R3 के एडजेसेंट रेजिस्टेंस है R31 और R23 और सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस होंगे R12 प्लस R23 प्लस R31। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने R1, R2 और R3 की वैल्यू डिराइव करी और फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करना है इसके बारे में जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।